পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র শ্রী চরণে পটি উঠিব নাম, পরমারাধ্য জগৎ জন শ্রী বর্মা শ্রী চরণে পটি উঠিব নাম, পরম পূজ্য পাদ শ্রী পর্দা শ্রী চরণে পটি উঠিব নাম, পরম পূজ্য পাদ আচার্য শ্রী দাদা শ্রী চরণে পটি। यहाँ पे उपस्थित सभी दादा एवं माँ को मेरा जय गुरु। आज ये मौका मिला है मुझे आप लोग के सामने आने का, आपसे कुछ ठाकुर के बारे में बोलने का, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ठाकुर के बान ठाकुर ने जो भी कहा है, जो भी बानी दिए हैं, उसका मूल ठाकुर कहते थे कि बचना और बढ़ना। एक बार पूज्यपाद बड़दा से किसी ने पूछा था कि बड़दा, ठाकुर तो इतने सारे वाणी दिए हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो पूज्यपाद बड़दा ने बोला था बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना सब सारे वाणियों का मूल है, और उसी से लेकर उसी से स्टार्ट होकर बाकी सारे दूसरे वाणियाँ भी। और ठाकुर ने बोला है कि बीइंग एंड बिकमिंग, बचने और बढ़ने के लिए हमें जजन जाजन और इष्टवृत्ति करने की आवश्यकता है। तो जजन का मतलब क्या है? जजन का मतलब है कि हम ठाकुर को अपने जीवन में प्रतिष्ठा करें। तो ठाकुर को हम अपने जीवन में कह प्रतिष्ठा करने का मतलब क्या है? ठाकुर जो जो चीजों को लेके ठाकुर हैं, जो जो चीजों की वजह से हम उनको ठाकुर बुलाते हैं, उनका आचार व्यवहार चाल चलन प्रेम, उन सबको हम अपने जीवन में प्रतिष्ठा करें, यही ठाकुर को हमारे जीवन में प्रतिष्ठा करना होगा। ये करने के लिए सबसे पहले हमें तो जरूरी है कि हम ठाकुर को जाने समझे कि ठाकुर कैसे थे, ठाकुर ने हमें क्या बोला है करने के लिए। उसके लिए एक उपाय है, हम लोग जो सब लोग ठाकुर की किताबें पढ़ सकते हैं। ठाकुर ने बहुत सारी वाणियाँ दी है, एक बार मैं सुना था कि कुछ 28,000 वाणियाँ हैं कैसे। सो ठाकुर की हम वाणियों से हम काफ़ी कुछ ठाकुर के बारे में समझ सकते हैं। एक ठाकुर का प्रॉपर्टी था कि ठाकुर ने कोई भी वाणी ऐसे नहीं दिया है जो उन्होंने अपने जीवन में खुद कर किया ना हो। वो उन सारे ठाकुर ने जो भी बोला है वो उनके अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बोला है। और हम ठाकुर के बारे में पढ़ के उनके बारे में जान सकते हैं। और उससे भी और एक अच्छा तरीका है कि हम आचार्य को देख के ठाकुर के बारे में सीखें। जो ठाकुर के वाणियाँ हैं उनको हम समझने के लिए हमें एक जीवंत रूप में उसका उसका मैनिफेस्टेशन देखने से हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो आचार्य हैं वो ठाकुर ने जो जो कहा है जैसे जैसे कहा है वो व्यक्ति काल समय के हिसाब से जैसे करना चाहिए वो सब पूर्ण रूप से वैसे करके हमें दिखाते हैं। और उनको उनको देख के उन हम सीख सकते हैं कि हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये ठाकुर के बारे में जानने के बाद हमको ये भी चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि हम अपने जीवन में कैसे ठाकुर की वाणियों को प्रैक्टिकली काम में लगा सकते हैं। हम सबका अपना 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 सिचुएशन होता है, अपना अपना अवस्था होता है, हमारे समाज में हमारे असुविधा अपना अपना होता है। तो उन हमारे अपने जीवन में हम कैसे ठाकुर के वाणियों को काम में लगा सकते हैं, कैसे कैसे एप्लीकेबल है हमारे किस किस जीवन के कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में, वो हमें समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए नाम ध्यान ध्यान बहुत काम में आता है। जब हम ध्यान करते हैं तब हमें अपने पता चलता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, हम किस किस कार्य में ठाकुर को लेके चलना चाहिए और हम नहीं लेके चल पा रहे हैं, और हम किस किस चीज़ में और भी अच्छा बन सकते हैं, ये सब हमें ध्यान से पता चलता है, बहुत सुविधा होता है। और
नाम करने से भी हम नाम करने से हम कनेक्टेड रहते हैं ठाकुर के साथ। हमें प्रत्येक मुहूर्त में हमेशा नाम करते रहना चाहिए और ये सब करके हम ठाकुर से जुड़े रह सकते हैं। इसके बाद हम ठाकुर के बारे में समझना और जानना और अपने जीवन में कैसे पालन करना है ये समझने के बाद जरूरी है कि हम अपने जीवन में उसको एक्चुअली में रियली कार्य में करके करें। ठाकुर ने एक बार बोला है कि वेरीली आई से डूइंग इज द मदर ऑफ गेटिंग, करना ही पाने की जननी है। तो हम अगर कुछ अगर हम अपने जीवन में जो ठाकुर ने बोला है वो हम करेंगे नहीं, खाली हम सोचेंगे और समझेंगे तो हमारे जीवन में फल नहीं आएगा। और एक जगह दूसरे जगह ठाकुर ने एक जीसस एक बाइबल का बाइबल में जीसस ने जो कहा है उसको उल्लेख करते हुए कहा है कि हमारे हम क्या सोचते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, विथ व्हाट इंटेंशन व्हाट वी डू मैटर्स एंड गॉड लुक्स एट दैट। सो जो हम किस उद्देश्य से क्या करते हैं उसी से फर्क पड़ता है, हम क्या सोचते हैं उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में कार्य करना पड़ेगा जो ठाकुर ने कहा है और पालन करना पड़ेगा। जो महापुरुष होते हैं उनको भी अपने जीवन में कर्म करके ही पाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए श्री राम जब माता सीता को रावण लेके चले गए उस वक्त उनको वो भी बिना किए सीता माता को वापस नहीं ला पाए, उनको भी वानर सेना खड़ा करना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा, लंका जाना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, उसके बाद जाके वो माता सीता को वापस लेके आ पाए थे। तो करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यक है और हम ठाकुर को जान के समझ के करके अपने जीवन में जब हम प्रतिष्ठित करेंगे तब हमारा जजन होगा और जजन के बाद हमारा आता है जाजन। जाजन मतलब हम अपने समाज में पारिपार्श्विक में कैसे ठाकुर के बातें को प्रतिष्ठित करेंगे, ठाकुर को प्रतिष्ठित करेंगे। और ये करना बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम मनुष्य हमारे समाज के ऊपर डिपेंड करके ही जीते हैं। जो जो मैं आज खाना खाया है, आज मैंने जो कपड़ा पहना है, जो जिस घर में हम रहते हैं, जिस मोटरसाइकिल को हम चलाते हैं, या फिर आज हम सत्संग कर रहे हैं जो इंटरनेट और कंप्यूटर और फोन स्मार्टफोन के माध्यम से, वो भी हमने खुद नहीं बनाया, किसी और ने ही बनाया है, हम उसका व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर वो लोग उनका बचना और बढ़ना नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें हट जाएंगी। मान लीजिए आजकल कोरोना वायरस की समस्या है तो हम ये तो बहुत आवश्यक है ही कि हम खुद पालन करें जो जो नियम करना चाहिए उससे बच के रहने के लिए, पर यह भी आवश्यक है कि हमारे समाज के दूसरे लोग भी उसका पालन करें। अगर अगर हमारे हमारे किसान को बीमारी लग जाए, वो अगर खा खा फसल ना उगा पाए, खेती बाड़ी ना कर पाए, तो वो भी हमारे थाली में खाना आने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम दूसरे लोगों को भी उद्बुद्ध करें ठाकुर को लेके चलने के लिए। और हम लोग जाजन करने के बारे में जब सोचते हैं तो ज्यादातर यही सोचते हैं कि ठाकुर के बारे में दूसरों को बताना, जो कि बहुत आवश्यक है, पर उसके साथ ये भी आवश्यक है कि हम अपने सेवा कार्य इन सब चीजों में भी ठाकुर को दूसरों के अंदर पहुंचाए। जो अगर हमारे अंदर ठाकुर की बातें चरित्रगत नहीं होंगी, हम सेवा और कार्य से लोगों को प्रेरणा नहीं देंगे ठाकुर को लेके चलने के लिए, तो खाली बातों से बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। और इसी इसी की तरह जाजन के बाद हमारा आता है जीवन में ठाकुर ने जो तीन चीजें कही हैं वो है इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति करने से हम ठाकुर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देने की चेष्टा करते हैं, उनको हम सबसे पहले याद करते हैं, सबसे पहले हम उनको भोग देते हैं, उसके बाद ही हम ग्रहण करते हैं
इससे हम ये प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर ऐसा ऐसा भाव आएगा, ऐसा मतलब हमारा उनके तरह उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा, और हम जब उनसे अटैच रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारे जीवन में भी वो जो जैसे जैसे चलने के लिए कहा है उन्होंने, वैसे वैसे हम चलने की प्रेरणा मिलेगी, हम चल पाएंगे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर ये स्वाभाविक भाव से ये हमारे अंदर प्रेरणा आती है, फीलिंग आता है कि हम उनको खुश करें, उनको वो जैसा चाहते हैं वैसा हम बने करें। कोई अगर मान लीजिए कोई संतान अगर अपनी माता से बहुत प्रेम करता है तो वो कोशिश करेगा कि वैसे ही चले जैसे उसकी माँ खुश हो, ऐसा कार्य नहीं करने की चेष्टा करेगा अपने अपने प्रेम और शक्ति अनुसार, जिससे उनकी माँ को दुख पहुँचे ऐसा नहीं करेगा वो, और जिनसे वो खुश हो वैसा ही करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से हम वो संतान अपनी माँ जैसे चाहती हैं वैसा बन के उठ सकता है। उसी तरीके से हम अगर ठाकुर से प्रेम करें, ठाकुर के प्रति हमारा अगर प्रेम हो, तो हमारे हम ठाकुर जैसे चाहते हैं वैसा बन सकेंगे। और इसके बाद और एक चीज बस मैं बोलना चाहूँगा कि जजन जादन इच्छवृत्ति करके हम लोग जीवन में सब कुछ पा तो सकते हैं, पर हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ठाकुर। एक बार मैंने सुना था पूजनीय बाबा इधर बोल रहे थे, वो बैठे थे, लोग उनसे निवेदन कर रहे थे, उसके बीच में वो ऐसे रुक के बोले कि मेरे जीवन में एक ही संपर्क है, वो है मेरा और ठाकुर का, बाकी सब जो हमारे संतान मेरे संतान के साथ, मेरे पत्नी के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो ये संपर्क उनको लगता है कि मैं उनसे बनाता हूँ, पर वो असल में मेरा संपर्क बस मेरे ठाकुर के साथ ही है। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में मुख्य उद्देश्य जो है वो बस ठाकुर ही है, बाकी सब सेकेंडरी है। और यही सोच के हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक एक छोटा सा घटना याद आ रहा है। एक बार देवघर में ठाकुर बैठ के जैसे लोगों से बात करते थे, उसके बाद उठ के चलने लगे, तो जो वहां पे बैठे थे वो लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो वहां पे उसमें एक माँ भी थी जो ठाकुर के पीछे जा रही थी, तो अचानक ठाकुर ने मुड़ के उन माँ से पूछा कि तुम देवघर में इतने वर्षों से रह रही हो, तुमने यहाँ पे रह के इतने साल क्या पाया? और ठाकुर उन माँ की तरफ देखने लगे। उन माँ को उसका कोई जवाब समझ नहीं आया कि क्या बोले, तो थोड़े ऐसे कुछ बोल नहीं पाई। तो उसके बाद ठाकुर ने उनसे कहा कि ठीक है तुम मुझे 3 दिन बाद बताना। तो वो माँ बहुत चिंता में पड़ गई कि क्या बोले ठाकुर से, कि ठाकुर मैंने क्या पाया है, ये सोचते जा रही है। तो रोज आती है ठाकुर को जैसे रेगुलरली प्रणाम करती है वैसे कर रही है, ठाकुर भी कुछ नहीं बोल रहे, वो माँ भी कुछ नहीं बोल रही। उनका ऐसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने यहाँ पे रह के क्या पाया। फिर तीसरे दिन जब ठाकुर के पास समय आया कि ठाकुर को अब जाके बताना है, तो ऐसे ही सोचती सोचती माँ जा रही है, वहां पे जाके ठाकुर ने फिर से पूछा कि क्या पाया। तो वो माँ ने जो उनको जो भी समझ आया उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ रह के ठाकुर और कुछ नहीं पाया, मैंने आपको ही पाया है। तो ठाकुर ने हंसे और बोले ठीक है और खुश हो गए। तो हमारे जीवन में भी हम कुछ ज्यादा ठाकुर के अलावा और कुछ हम जीवन में पा भी नहीं सकते, और पाने की हमारी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ठाकुर को पाएंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा, और अगर हम दूसरे चीजों के पीछे भागेंगे तो हम ना ही ठाकुर को पा पाएंगे ना ही दूसरे चीजों को पा पाएंगे। तो इसी के साथ समय भी खत्म हो रहा है। जय गुरु।